हाइड्रोपोनिक खेती की लागत कितनी आती है? बड़े एंथुजिस्टिक से एंथुजिज्म से बड़े चाव से कई लोगों ने हाइड्रोपोनिक फार्म खोले जी, लेकिन वो चले नहीं जी। उसके कारण है जी, उसके कारण ये है जो सरकार को भी समझने चाहिए कि जो खेती वाला है वो तो बेचारा कर्जाई हो गया, लेकिन जिसने वो स्ट्रक्चर बनाई हाइड्रोपोनिक की वो करोड़पति बन गया। ये कैसे हो गया? तो जो इसमें जितना भी सामान लगता है उसको एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, बहुत ही ज्यादा रेट पे किसानों को बेचा जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये ऊपर एक एच हुक लगी हुई है, आप इस पे फोकस करें, एच हुक है ये। जब मैंने पहली बार किसी से कोटेशन मंगाई तो मुझे 5 रुपए इसका रेट आया। अच्छा, और अब मैं ये हुक जो है 2 रुपए 50 पैसे में लेता हूँ जी, तो 2.5 रुपए जो मेरे को लूटा जा रहा था वही मेरी हाइड्रोपोनिक खेती को नॉन वायबल बना रहा था जी। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं वो आपसे 10,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर लेता है जी, और 3,000 स्क्वायर मीटर में 3 करोड़ का बजट दे देगा। मेरा फार्म जो है 85 लाख में बना है जी। अब आप हिसाब लगा दिए, 2,15,00,000 रुपया जब आप किसी प्रोजेक्ट से खा जाएंगे ओवर बिलिंग करके, तो फिर वो प्रोजेक्ट वायबल कैसे रहेगा जी। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हाइड्रोपोनिक खेती है जिन लोगों ने भी खोली है वो बेचारे परेशान हो गए। तीसरी बात इसकी सबसे बड़ी है कि आपको ऑटोमेशन कितनी करनी है, आप क्यों चाहते हैं। देखिए, कार है मार्केट में, आप लेने जाते हैं, एक लोएस्ट मॉडल है एक हाईएस्ट मॉडल है, दोनों का 6 लाख का अंतर है। आप हाईएस्ट मॉडल क्यों नहीं लेते? आप क्यों लोएस्ट मॉडल लेते हैं? क्योंकि फरीदकोट से चंडीगढ़ तो मुझे कोई भी मॉडल ले आएगा। बिल्कुल, आज से 40 साल पहले तो हम बिना एयर कंडीशन कारों में रहते थे, एम्बेसडर उसमें। आज हम चाहते हैं कि हमारे वाइपर भी ऑटोमेटिक चले, आज हम चाहते हैं हमारे टेलीफोन भी कार से कनेक्ट हो जाए, आज हम चाहते हैं हमारी लाइटें भी ऑटोमेटिक जल जाए, आज हम चाहते हैं कि उसमें वाईफाई भी हो। क्यों भाई? हाँ, अफोर्ड कर सकते हो तो रोल्स रॉयस ले लो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर छोटी कार ले लो। उसी तरीके से हाइड्रोपोनिक के फैसले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट वायबल है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगा बिक रहा है कहीं पर, आप एक ऐसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपने लोकल मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है, लोगों को बेचना है, जिससे लोगों का फायदा हो और आपका भी फायदा हो, तो आपको सोच समझ के इस पे पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन किया था जो मैनेजमेंट की स्टडी में आता है, कि हम 3 लिस्टें बनाएं शुरू में ही। एक लिस्ट है जिसमें रखे कि बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है, वो सामान जो अत्यंत ज़रूरी है जिसके बगैर हाइड्रोपोनिक चल नहीं सकता। दूसरी लिस्ट बनाएं, अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो भी चलेगा। और तीसरी लिस्ट बनाएं कि इनके बगैर ही चलाना है हमको। लेकिन जो कंसल्टेंट है वो आपको बेचने के लिए सब कुछ बेच देते हैं। ये मेरा पूरा जो फार्म है 1.5 हॉर्स पावर की मोटर से इरीगेट होता है, और मेरा एक दोस्त है जिसका फार्म 500 गज का है दिल्ली में, कंसल्टेंट ने उसके यहाँ 5.5 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है, कभी भी जाके देख लो, वो बिजली का बिल ही मार देता है उसको। क्योंकि कंसल्टेंट को, मुझे विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू प्रोफेशनल्स, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं खुद भी एक प्रोफेशनल रहा हूँ, लेकिन लूटो मत। होस्ट पैरासाइट रिलेशन भी रखोगे फार्मर के साथ, तब भी जो है फार्मर को जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फार्मर मर गया तो कंसल्टेंट भी मर गया। कंसल्टेंट का बिजनेस तभी बढ़ेगा अगर फार्मर का बिजनेस बढ़ेगा। तो कंसल्टेंट का जो लूटना है, मेरे हिसाब से 5,000 से 6,000 रुपए के ऊपर कभी भी हाइड्रोपोनिक फार्म का खर्चा नहीं आना चाहिए पर स्क्वायर मीटर। लेकिन आज आप कोटेशन लेते हैं किसी कंसल्टेंट से तो 10,000 से नीचे कोटेशन देता नहीं है कोई। हाइड्रोपोनिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? हाइड्रोपोनिक फसलों में दरख्तों को छोड़कर सब कुछ उगाया जा सकता है। दरख्तों को छोड़कर? दरख्तों को, इसलिए कि दरख्त बहुत बड़ा होता है जी, लेकिन छोटे दरख्त भी उगाए जाते हैं, फल भी उगाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है, ब्लूबेरी उगाई जाती है, आप पपीता भी उगा सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग में नहीं, तो इसलिए वो जमीन में लगाने पड़ेंगे, उनकी जड़ें बड़ी होती हैं जी। ग्रो बैग में आप वही पौधे लगा सकते हैं या हाइड्रोपोनिक में, जिनके एडवेंटेजियस रूट सिस्टम होता है। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल बात करनी पड़ेगी हमें जी। जिनकी जड़ें जो हैं वो बालों जैसी होती हैं, बालों जैसी, ठीक। जिनकी जड़ें तने होते हैं मोटे, जैसे किकर है, टाली है, संतरा है और किनू है, इनकी जड़ें मोटी होती हैं बल्ली जैसी जी। तो वो पौधे जो हैं वो हाइड्रोपोनिक में नहीं ग्रो किए जा सकते। हाइड्रोपोनिक पौधों को कितनी जगह चाहिए? अब देख लीजिए, ये 300 स्क्वायर मीटर में 12,000 पौधे लगे हुए हैं जी, तो 1 स्क्वायर मीटर में 4 पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। जैसा आपने हमें कंसेप्ट समझाया खर्चे का, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोपोनिक खेती से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? इसका एक छोटा सा थंब रूल है जी,
वो थंब रूल ये है कि मैं हाइड्रोपोनिक खेती में एक नई टर्म मैंने क्वाइन की है, प्लांट पॉइंट्स, जो कि पहले कभी नहीं मिलती थी, मैंने ये लिटरेचर में इंट्रोड्यूस की है कि कितने प्लांट पॉइंट हैं आपके जी। अगर मेरे पास हाइड्रोपोनिक ग्रो बैग में 12,000 प्लांट पॉइंट हैं, 12,000 मेरे प्लांट्स हैं ये कह लो आप, तो मेरे को अगर एक पौधा 200 रुपया देता है तो मोर देन सफिशिएंट है, तो मेरी इनकम 24 लाख की हो गई। 1 करोड़ के ऊपर मेरा, अगर 85 लाख के ऊपर मेरा 24 लाख का जो है रेवेन्यू आ गया, और 24 लाख के रेवेन्यू से जो अगर मैं खर्चा भी निकाल लूँ 5-6 लाख, तो 17-18 लाख अगर रेवेन्यू आता है तो 18% 20% तक इसकी जो टर्नओवर है वो बन जाती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं, या रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, RRI भी कहते हैं, कोई IRR भी कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% तो अश्योर्ड हो जाता है अगर आप ध्यान से करो, बिल्कुल गलती ना हो। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न इस्तेमाल करते हो, जैसे लेटस है या और सैलड है या आपका और भी पौधे आपको दिखाएंगे आगे, जो हज़ार रुपये किलो बिकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ब्लैक टमाटो लगाए हुए हैं, अब ब्लैक टमाटो हमने पहली बार ट्राई किया है, ब्लैक टमाटो अगर आप देखें तो 1,000 रुपये किलो तक भी जाता है। तो अगर हाई एंड आप देते हैं, बेसल है वो भी 1,000 रुपये 1,500 रुपये किलो उसका सेल प्राइस है, अरुगुला का 1,500 रुपये स्केल प्राइस है, तो ऐसी अगर क्रॉप लगाते हैं तो 1 एकड़ से आप जो है वो 1 करोड़ रुपया भी साल का कमा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पैदा करना हाइड्रोपोनिक फार्म में बहुत आसान है। इसको लोगों ने, साइंटिस्टों ने, बाहर के विज्ञानियों ने इसको परफेक्ट कर रखा है, इस टेक्निक को, कि ग्रो कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि बेचना कैसे है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है। क्या आपने मंडी में फेंकने जाना है गेहूं की तरह और चावल की तरह? क्या आप टमाटर हाइड्रोपोनिक में पैदा करके क्रेटों में भर के क्या आप इसको ले जाना चाहते हैं मंडी में, और वहाँ कोई बोली लगाएगा? फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। हमने यहाँ पर FSSAI का लाइसेंस भी ले रखा है, जो फूड सिक्योरिटी एजेंसी है जी, फसल उसका हमारा लाइसेंस है, हमारी अपनी पैकेजिंग है, हमारी अपनी ब्रांडिंग है। हम मल्टी रिटेल जो है, मल्टी कमोडिटी रिटेल स्टोर, जैसे रिलायंस है, मोर है, बिग बास्केट है, माई फ्रेश है, इन सबको हम सप्लाई करते हैं। ये हमें ज़रा तफसील से समझाइए कि ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, प्रॉस्पेक्ट है इस हाइड्रोपोनिक खेती का, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसके लिए एक मार्केट भी चाहिए होता है, तो मार्केट चाहिए तो फिर उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच हमें समझाइए। देखो जी, मार्केटिंग क्रिएट की जाती है जी। आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है, 80s अर्ली 80s में एक निरमा की एड थी। बिल्कुल, हमें पढ़ाया जाता था मैनेजमेंट में, वॉशिंग पाउडर निरमा और एक लड़की घूमती थी जी। उस एड ने निरमा घर घर में पहुंचा दिया, और निरमे का नाम जो है लोग लेने लगे कि वॉशिंग पाउडर की बजाय निरमा है तुम्हारे घर में जी। तो उस एड पे हमें मैनेजमेंट क्लासेस में पढ़ाया गया कि 200 करोड़ से ऊपर पैसा लगा था। तो जिमीदार या हाइड्रोपोनिक फार्मर जब प्रोजेक्ट लगाता है, मैं दावे से कह सकता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक भी पैसा मार्केटिंग के लिए ईयरमार्क नहीं होता, जबकि आपके बजट का मिनिमम 2% जो है वो मार्केटिंग के लिए आपको रिजर्व करना चाहिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में। अगर आप मार्केटिंग के लिए कोई पैसा रिजर्व नहीं करते, मार्केटिंग में आपको फ्री भी देना पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री भी करना पड़ेगा, ये सब मॉडर्न मार्केटिंग जो है आपको करनी पड़ेगी। गंजे को कंगे बेचने पड़ेंगे आपको, अगर आप गंजे को कंगा बेच देंगे तब आप हाइड्रोपोनिक फार्मर बन सकते हैं, अदरवाइज मार्केटिंग नहीं कर पाए तो आपको समस्या आएंगी। यानी कि आपको फार्म में एक सफल किसान बनना है तो सफल मार्केटिंग भी आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप ये सफल किसानी नहीं कर सकते। बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरियल है, मैं हर पढ़े लिखे फार्मर को कहूँगा उसको देखे, पेरिशेबल उसका नाम है। उस पेरिशेबल में एक एपिसोड आपकी आज़ादपुर मंडी का भी है। वो आज़ादपुर मंडी में वो बात करता है कि करेला आज़ादपुर मंडी में 5 रुपये किलो फार्मर के फार्म से एंटर किया, और करेला मंडी से 45 रुपये किलो बाहर आया, अभी कंज्यूमर के पास गया नहीं है। बिल्कुल, उसने हाथ चेंज किए हैं, फार्मर को 5 रुपये मिले हैं, और जो रेड़ी वाला जो करेला कंज्यूमर को लेके जाएगा उसको 45 रुपये में खरीदना पड़ा है। अब ये बीच में 40 रुपये कहाँ गए, ये समझना पड़ेगा सरकारों को भी, और ये समझना पड़ेगा हाइड्रोपोनिक फार्मर को भी।